गुड मॉर्निंग गाइस, मैं जस्ट उठी हूँ। अभी 7:20 हो रहा है और बाहर का नज़ारा देखो कितना प्यारा है। OMG, दिस इज सो ब्यूटिफुल, यू नो, टू ब्यूटिफुल। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इट्स ब्यूटिफुल। सुबह सुबह में मंदिर की घंटी की आवाज़ आती है, आई थिंक नैना देवी मंदिर से आती है ना। अमेजिंग व्यू। गुड मॉर्निंग। बच्चास है ना, बच्चास को ये वाला वेदर चाहिए था, तो ये वेदर भी यहाँ हो ही गया। देखो माय गॉड, सापुतरा को फेल कर दिया। ऑब्वियसली ये काफ़ी हाइटेड है ना, सामने कुछ नहीं दिख रहा यहाँ पे, बाकी पहाड़ियाँ हैं आपको भी पता है, बट वी कैन नॉट सी एनीथिंग, पूरा इनविजिबल। वाओ क्या वेदर है, और ऐसे वेदर में ये गर्मा गर्म चाय और कुकीज, वाओ। आज तो ब्रेड बटर नहीं है ना, कल तो हम ब्रेड बटर खाए थे सुबह में, कल सुबह में हमें ब्रेड बटर हम एक दिन पहले लाके रख लिए थे, वो खाए थे। क्या मौसम है ना प्रिशा, बहुत अच्छा, अमेजिंग यार, अमेजिंग। पूरे बादल नीचे उतरे हुए हैं, वाओ। चलो गर्मा गर्म चाय पीते हैं। तो जब गणपति फेस्टिवल शुरू हुआ था तब मेरे ये 2-3 व्लॉग्स बाकी रह गए थे, अब इनको डालना तो पड़ेगा क्योंकि मैंने इतने दिल से इतने प्यारे प्यारे व्लॉग्स बनाए थे, इतना प्यारा वेदर था। आप भी मेरे साथ साथ एंजॉय कर लो नैनीताल, और नैनीताल का इतना ब्यूटीफुल वाला वेदर। वैसे बारिश तो अभी भी वहाँ हो रही है रेगुलर, और यहाँ पर भी हो रही है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 25 सितंबर को, तब मेरे यहाँ पर यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है, जबकि अभी श्राद्ध चल रहे हैं। लेकिन पता नहीं इस बार क्या हो रहा है, मानसून है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमारी गर्मा गर्म चाय आ चुकी थी बिस्किट्स के साथ, और आज का दिन हम बहुत सारा फन करने वाले हैं, तो बने रहिए व्लॉग पे। ये क्या किया इसने, देखो देखो, लड़के ने चोट लगा ली सुबह सुबह में। फील बनानी पड़ेगी इस माहौल में 2-4 को कम से कम। इसको थोड़ा ओपन और कर लेते ना। देखो ये हसमुख भाई, इनका नाम हमने हसमुख भाई रखा हुआ है। प्रिशा ने बोला शर्ट पहनने, तो भी पहनी नहीं गई इनसे। हसमुख भाई इनका नाम देखो, आज कैसे आई है ज्यादा उसकी चाय देखो, दूध। आज मैंने उनको बोल दिया चाय पीने लायक नहीं, कितनी घटिया थी, इतनी पानी पानी थी, मजा नहीं था चाय में। अरे क्या कर रहे हो उसको, आ जाइए गाइस, आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने आ जाइए हमारे साथ, कुकीज के साथ। रिसेंटली मैंने कुछ मंगवाया मेरे किचन के लिए, सोचा आपसे शेयर करूं। तो ये है अगारो का डबल वॉल ग्लास कप, पैक ऑफ 2 डबल वॉल ग्लास कप। ये मैंने भी जरा पहली बार ही सुना, मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। मस्त है, एकदम बढ़िया है। देखो 2 का सेट है, एक और भी है, ये है ना, 2 का सेट है। यहाँ पे ब्रांडिंग है, अगारो लिखा हुआ है देखो अंदर के साइड, और ये डबल ग्लास। यस यस, समझ गई मैं, मतलब चाय डालेंगे तो यहाँ से खाली दिखेगा, अंदर चाय रखेगी। डबल ग्लास लगा हुआ है, डबल ग्लास कप है, बहुत अच्छे क्वालिटी का कांच है, और अगारो है। बात ही खत्म है यार, अगारो की तो चीज़ों की बात ही कुछ और है। मेरे पास अगारो के बहुत प्रोडक्ट्स हैं, मैं रेगुलर इनकी बायर हूँ और आए दिन इनके प्रोडक्ट्स लेती हूँ, और मुझे इनके प्रोडक्ट बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और आप खुद भी जब यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ूंगी इन कप्स का, और बाकी तो जब चाय बना के इसमें चाय डालते हैं या कॉफ़ी डालते हैं, ओ माई गॉड इतना अमेजिंग लगता है, खुद देख लो। बाकी बहुत अच्छे कप्स हैं, गो फॉर इट गाइस, है ना। ये अगारो ब्रांड से है, चेकआउट कर लो, नीचे लिंक छोड़ दूंगी, ठीक है। अगर कुछ भी बाय करना है यू कैन बाय, ओके। सो गाइज, दीज आर अगारो लाइट डबल वॉल ग्लास कप्स, 260 ml के हैं ये, और टी और कॉफ़ी के लिए बहुत अच्छे हैं, हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स दोनों के लिए चलेंगे, कॉफ़ी, टी, मिल्क, कैपेचिनो, जूस, माइक्रोवेव सेफ है, स्टाइलिश एस्प्रेसो चॉकलेट बेवरेज के लिए बहुत बढ़िया हैं, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, और चाय डालने के बाद तो ये क्या ही लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये सेट ऑफ 2 है और बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे को ये बहुत पसंद आए, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं चाय डालने के बाद, तो ये क्या ही लगते हैं। 260 ml एक बार में इसके अंदर
आ जाता है चाय या कॉफ़ी कुछ भी, और आइडल फॉर हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस, क्रिस्टल क्लियर ग्लास है इनका, इतना खूबसूरत है, इजी टू क्लीन है, बहुत अच्छे से साफ हो जाता है, कितना सुंदर लग रहा है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और आज हम जल्दी तैयार हो गए हैं, हम लोग निकल रहे हैं कहीं ना कहीं तो घूमेंगे यहाँ पे, रोज़ की रोज़ तो रूम पे नहीं बैठना है, रबड़ वाले बन होते हैं ना उनको ऊपर करके टाई करा है, और ये ड्रेस पहनी है पूरे बाजू की क्योंकि ठंड है यहाँ पे थोड़ी सी, और आज तो मौसम भी बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, बाहर जाके आपको दिखाते हैं कितने क्लाउड्स आए हुए हैं रिजॉर्ट में, मज़ा आ रहा है। और कैसा लग रहा है ये ड्रेस, और ये वही है जो मैंने दिल्ली में पहना था, इस बार मैंने ज़्यादातर ड्रेसेस मेरी रिपीट करी हैं, ज़्यादा नई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करी, हर बार शॉपिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। और क्या बताना था आपको, हाँ, जो लोग अलग से यहाँ पे आते हैं ना वो पर डे का 23,000 से लेके 37,000 तक पे करते हैं, ये मुझे 22,000 में मिल गया था बिकॉज ऑफ माई मेम्बरशिप, इसीलिए मैं आ भी गई, और ये मैंने आगे के बाल थोड़े से स्ट्रेट करे हैं। चलो अब मैं फोटो वोटो खिंचवा लेती हूँ, कैसा लग रहा है हेयर स्टाइल प्रिशर? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलो, और ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसके जैसे मैं और एक दो बैग लेने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है और सस्ता भी है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब बॉडी फिट के हिसाब से बहुत अच्छा जाता है। यहाँ पे हो रही है प्रिशा तैयार, देखो इसने ये वाला टॉप पहना है, ये वैसे मेरा टॉप है पर ये कह रही थी मम्मी क्या पहनूं कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे कपड़े नहीं रही है, पर मैं पढ़ाई में अच्छे कपड़े नहीं रख पाई हूँ, सॉरी कोई नहीं। तो इसलिए ये वाला देखो, ये मेरा टॉप है, मैं लाई थी, मैं ना आज सो प्रिटी, आज मैं इसे शॉर्ट के साथ वेयर करने वाली थी, अच्छा हुआ मैंने वेयर नहीं करा, नहीं तो मैं सोच रही थी प्रिशा वेयर करने का, भगा दिया मुझे, देखो स्कूटर बंद करके आना, आज काफी कुछ घूमने का प्लान है, बहुत सारी चीजें घूमेंगे, लेट्स सी क्या क्या करते हैं, निकलते तो हैं, रोज हमारा निकलना ना 1 बज जाता है, लेकिन आज मैं फटाफट तैयार हो गई, मैंने कहा नहीं आज तो जल्दी निकलेंगे, और यहाँ देखो कौन खड़ा है, Somebody is waiting for me, ये देखो कौन खड़ा है, मेरी तारीफ तो करो मत, ठीक है मुझे गालियाँ बहुत पड़ती हैं फिर, क्या बारिश आ गई, नीचे आई तो बारिश हो रही है, अब बारिश में कैसे ही निकले कहीं, बट कहीं तो भी जाएंगे, देखो थोड़ी कम हो जाए फिर जाते हैं, खूब बारिश पड़ रही है अभी तो, देखो सुंदर सी बैगों के साथ घूमने जाना, अच्छा क्यों भाई, अच्छा लगता है सुंदर सी बैगों के साथ, आज इनके ना बोटिंग करने का मूड था, सारे अरमानों पे पानी फिर गए, बारिश में तो बोटिंग पॉसिबल है नहीं, सुबह माहौल अच्छा हो रहा था, सिर्फ फोग था, मतलब बादल थे, बारिश नहीं थी, बारिश अभी भी शुरू हुई है ये 15 मिनट से, निकलने के टाइम पे बारिश आ गई, चलो देखते हैं जा पाते हैं नहीं जा पाते, लेट्स सी, बाहर पड़ रही है बारिश तो मैं नीचे से आ गई हूँ ऊपर, मैं पहले पर्स चेंज करूँगी बिकॉज़ ये मटेरियल ऐसा है कि मटेरियल मेरा ख़राब हो जाएगा, तो फिर या तो ये जो पर्स में लाई हूँ ज़ूक का वो, या तो फिर ये स्काई बैग के अंदर मैं मेरा सारा सामान ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, वेट करती हूँ जैसे बारिश बंद होगी फिर हम लोग निकलेंगे कहीं घूमने के लिए, और तब तक मैं अपना रील वगैरह पोस्ट कर देती हूँ, व्लॉग मैंने ऑलरेडी सुबह में जल्दी उठ गई थी, मैं रोज़ उठ जाती हूँ जल्दी यहाँ पे 7 o'clock और मैं अपनी एडिटिंग्स करती हूँ, बहुत प्यारी लग रही बेटा, और अबू भी तैयार हो गया, अबू ने भी नई हुडी पहनी है, कहाँ से ली थी ये हुडी, H&M, और H&M का ही पैंट पहना है इसने पूरा, नहीं सॉरी जूडियो का पैंट और H&M का ये है स्वेटशर्ट, ये कोई लड़का कितना हैंडसम लग रहा है, मेरे को भी दिखा दो मैं शूलेस बांध रही हूँ, यही मेरे बच्चे ने शूलेस बांधे मेरे बाबू ने, बहुत पाड़ा बहुत क्यूट लग रहा है, एकदम डॉल लग रहा है, तुझे तो वैसे भी मेरी ऑडियंस बहुत प्यार करती है, तुझे पता कहाँ है, सो मेनी पीपल सेज के काश प्रिशा जैसी हमारी बेटी होती, और हम दोनों माँ बेटी आ गए, और मैं ना सच में बता रही हूँ, मैं ना कभी कभी रेडी होती हूँ ना तो मुझे सीरियसली मेरे में मम्मा की रिफ्लेक्शन दिखती है पूरी, बेटी है मेरी रिफ्लेक्शन क्या पूरी की पूरी मेरी है तू, नहीं मतलब कुछ लोग कहते हैं कि आप जैसी नहीं दिखती बट मैं दिखती हूँ, लकीली कट डिफरेंट है इससे डिफरेंट दिखती हूँ, लकीली बारिश हो गई है बंद, हमने सोचा चलो निकल जाते हैं, फोटो खींचेंगे रील बनाएंगे शूटिंग करेंगे ब्लॉगिंग करेंगे घूमेंगे, आज तो सच्ची क्या ही वेदर है, यहाँ पे अगर फोटो खींचा जाए तो विवेक देखो पीछे कितना प्यारा आ रहा है, क्यों इसमें क्या था हंसने का, इसमें हंसने का क्या था, आजकल ना ये हंसमुख भाई हो गए, बिना काम हंसा करते हैं बिना काम, इसलिए आज सुबह से हम इन्हें चिढ़ा रहे हैं, बेटा देख पापा टीवी देख रहे हैं, हा 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 हा, बेटा देख पापा ने चाय का सिप लिया, हा हा हा, विक्स यहाँ पे हमारा भी ले लो यार, यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है देखो लेक साइड पे, विवेक मेरा भी लेक साइड पे लो ना एक फोटो, लेक साइड पे तो फोटो है ही नहीं हमारा,
ओ माय गॉड, दोनों बाप बेटे ना एक दूसरे का फोटो सेशन करते रहते हैं। अक्सर हम कहीं भी जाते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही लगे होते हैं, ये कटोरी और ये कटोरी की चम्मच। वाटकी एने चमची, गुजराती में कहवा वाटकी एने चमची। देखो गाइस क्या मस्त वेदर है, वाओ शो मी, वाओ सो नाइस, यू लुकिंग सो हैंडसम। यहाँ पे बनाई बहुत सारे रील्स और मेरा रील कैमरामैन का काम किया। अभी इन्हें मैं थक गई, पूरे इस प्रॉपर्टी का मैंने रील बनाया, आप इंस्टा पे देख लेना, यूट्यूब पे भी रख दूंगी। टाइम हो गया है एक मिनट, एक बजे हैं, चलो अब निकलते हैं। विवेक इट्स 1 o'clock। ये देखो ये ड्रामा देखो इनका, विवेक का। कार्तिक है हिल स्टेशन तो मैंने बहुत सारे देखे हैं, जैसे कि मनाली देखा है, मसूरी भी देखा है। मसूरी के व्लॉग्स आपने नहीं देखे क्योंकि तब मैं व्लॉगर नहीं थी, और इसके अलावा नैनीताल भी देख लिया, लेकिन मुझे सबसे अच्छा अभी तक का हिल स्टेशन बोलूं तो नैनीताल लगा है। ये लेक की वजह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मनाली भी अच्छा है लेकिन अगर हाइट की बात करूँ तो नैनीताल काफ़ी ज़्यादा हाइटेड लगता है, वो जैसे कि एक माउंटेन के ऊपर बना हुआ ऐसे लगता है। हमारा ये जो ट्रिप था ये बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल था, हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। यहाँ पर हम चार ही थे लेकिन किसी की कमी नहीं लगी, और पता है इंसान को आदत होनी चाहिए अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय करने की, कोई साथ में हो या ना हो, हो तो अच्छी बात, ना हो तो भी कुछ नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट जैसे कि कुछ लोगों को होता है ना कि कहीं घूमने जा रहे हैं तो साथ में कोई कपल होना चाहिए, कोई और भी होना चाहिए, तो ऐसा हम लोगों को बिल्कुल नहीं है। कोई हो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है, हमें भी मज़ा आता है, और कोई ना हो तो इट्स ओके। और हम लोग आए थे बोट क्लब पे, बोट क्लब करके एक जगह है जो कि काफ़ी सुंदर है और इट्स वेरी ब्यूटिफुल, तो हमने सोचा इसको देख लेते हैं। सब लोग कल से, मतलब जब से हम आए थे, कई सारे लोग हमारे रिजॉर्ट में इसके बारे में बात कर रहे थे, और यहाँ से बोटिंग के लिए भी जा सकते हैं। चलो पहले अंदर जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप भी नैनीताल आओ यहाँ विज़िट कर सकते हो, लेकिन सबके लिए विज़िट अलाउड नहीं है, कोई आपका सोर्स होना चाहिए। हम लोग भी एक सोर्स के थ्रू नैनी रिट्रीट से यहाँ पर आए थे। शूज़ आ गए, बोट क्लब में शूज़ अलाउड है, मतलब ये लोग स्लीपर डालाए थे। हमारा चलते हैं ब्यूटीफुल, हाँ बोट क्लब, ये यहाँ बैठ के सब खा सकते हैं, पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग देयर, ब्यूटीफुल प्लेस टू एंजॉय, अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू चिल। हम लोगों को तो नैनी रिट्रीट वालों ने ही यहाँ भेज दिया है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ एंट्री फीस वगैरह भी है, सो यू कैन चिल, यू कैन ईट बिलियर्ड, टेबल टेनिस, और काफ़ी कुछ है। आप पूरा दिन भी यहाँ स्पेंड कर सकते हो, ये जो साइट है आप यहाँ बैठ सकते हो, यहाँ खा सकते हो, और ये वाली जगह पे हम बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, जो कि मैं अभी बाहर जाने वाली ही हूँ क्योंकि ये लेक साइड लग रही है। इसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे तकरीबन एक घंटे तक थोड़ा बहुत इन्जॉय करा, और इसके बाद हम निकल आए बाहर और हम कर रहे थे ऐसे ही विंडो शॉपिंग, देख रहे थे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। वैसे जनरली टूरिस्ट प्लेसेस पे से मैं शॉपिंग वॉपिंग ज़्यादा करती नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है, और ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो ना हो अपने पास, भगवान की कृपा से सब कुछ है। वी वर गोइंग टूवर्ड्स क्या बोलते हैं, ये जो रोड है ना जो लेक के लगते, पता है दो रोड है यहाँ, एक अपर रोड है एक डाउन रोड है। अपर रोड पर हम लोग वॉक कर रहे थे, अभी डाउन रोड आपको दिखाती हूँ जहाँ मेरा जाने का बहुत मन है।
तो ये है वो डाउन वाली रोड जो कि बिल्कुल लेक से होके लगती है, और यहाँ मैंने फ़ोटोज़ भी क्लिक करे थे, मैं इंस्टा पे या तो के यू कम्युनिटी पे लगा दूँगी, आप देख लेना। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था और मौसम तो अच्छा था ही, क्योंकि हम लोग गए थे सितंबर स्टार्टिंग में और उस टाइम पे खूब बढ़िया वाला कभी बादल कभी धूप धूप छाँव जैसा मौसम था। और ऐसे ही मौसम में मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी, क्योंकि बादल भी देखने मिल जाते हैं, ज़्यादा बारिश में भी नहीं जाना चाहिए, जुलाई वगैरह में बहुत बारिश होती है, अगस्त का एंडिंग सितंबर वगैरह बिल्कुल ठीक है नैनीताल विज़िट करने के लिए, ऐसा मुझे पर्सनली लगा क्योंकि मैं वहाँ गई और मैंने देखा बहुत अच्छा मौसम था। तो हम लोग ऐसे ही वॉक कर रहे थे और यहाँ से अभी कर रहा था शूट, और इतना अच्छा लग रहा था। पता है फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम होना ही चाहिए, आप कितना भी स्ट्रेस में क्यों ना हो, या फिर हर एक कोई देखो आजकल के टाइम पे वर्किंग है, फीमेल मेल सभी, और अगर फीमेल वर्किंग ना भी हो तो वो एज अ हाउसवाइफ घर में बहुत काम करती हैं, सैल्यूट है सभी हाउसवाइफ को। तो एक चिल आउट तो होना ही चाहिए, एक रिलैक्सेशन तो मिलनी चाहिए आफ्टर अ लॉन्ग हार्ड वर्क, फिर एक बीच में एक ब्रेक तो मिलना ही चाहिए इंसान को। ओ वाओ फिशेस, फिश वाओ कितनी क्यूट लग रही है, गुलाटी मार रही है, गुलाटी वाओ, हमारी फिश ये रही, खूबसूरत सी फिश है हमारी, इतनी सुंदर फिश किसी ने नहीं देखी होगी इस दुनिया में। फाइनली हमें एक स्टेयर्स मिल गई हैं, कब से प्रिशा ढूंढ रही थी, हम प्रिशा को कह रहे थे तू जंप मार दे यहाँ से ऊपर, हम एक कैफ़े में जा रहे हैं, वो ऊपर है लेक व्यू इन, सुना है उसमें सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। तो हम आ गए हैं ये वाली रोड पे, हम वॉक कर रहे थे यहाँ से ऊपर आ गए, कितना चला रहे हैं ये लोग, दो दो मिनट करके इन लोगों ने हमारे पाँव दुखा दिए। हम लोग लाइफ में इतना नहीं चले जितना हम नैनीताल में चल रहे हैं, एक दिन में हमारे 8,000 स्टेप्स हो रहे हैं, आज भी शायद हो जाएंगे। हम दिल्ली में भी बहुत चले थे वैसे तो, लेकिन यहाँ तो रोज का हो गया, यहाँ हर जगह पे वो नहीं जाता ना, गाड़ी नहीं जाती हर जगह पे, लाउड नहीं है। मज़ा आ गया इस वाली रोड पे वॉक करके। और विवेक ना, क्योंकि ऑब्वियसली नैनीताल आओ और बोटिंग ना करो तो मेन अट्रैक्शन तो बोटिंग ही है ना, वो देखो पीछे लोग बोटिंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे डर बहुत लगता है पानी से तो मैं मना कर रही थी, लेकिन यहाँ सबको बोटिंग करते देख मेरे में हिम्मत आ गई है, तो मैं विवेक को बोल रही हूँ चलो कुछ पेट पूजा कर लेते हैं फिर बोटिंग पे जाते हैं, फिर बोटिंग करके रूम पे चले जाएंगे, आज रोप पे नहीं हो सकता है, मौसम बहुत ख़राब है तो शायद रोप पे तो नहीं हो पाएगा, तो बोटिंग तो कर ले एटलीस्ट कुछ तो करके जाए ना। आप खुद ही देख लो कितना सुंदर है नैनीताल, कितना सुंदर लग रहा है, बादल आ गए वादी में, और क्या बोलते हैं जो नैनी लेक है ना, नैनी लेक इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस ऑफ नैनीताल। कुछ लोग कह रहे थे आप वो गुरुजी के उस पर क्यों नहीं गए, वो एक है ना यहाँ पे, बट हम लोग नहीं जा सके, इतना टाइम नहीं मिला। हम लेक के सामने एक कैफ़े है जो बहुत फेमस है, लेक साइड कैफ़े, तो इसका नाम है लेक साइड कैफ़े, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। नैनीताल अगर जा रहे हो तो इस वाले कैफ़े में विज़िट ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पे खाना भी बहुत बढ़िया था, मतलब पिज़्ज़ा वगैरह हमने खाया था, इसका एम्बियंस भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, मैंने बहुत सारे फ़ोटो खींचे थे, और यहाँ बैठ के एक अलग ही फील आ रहा था क्योंकि बिल्कुल सामने है नैनी लेक का व्यू जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बना दे रहा था। और फूड भी आउटस्टैंडिंग था गाइस, काफ़ी अच्छा कैफ़े है। मुझे तो लाइक जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे ना भीमताल नहीं गए, नचिकेताल नहीं गए, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे सभी जगह पे मुझे सुनने में आया कि लेक है, मतलब जैसे यहाँ लेक है वैसे वहाँ भी लेक है, फिर मुझे लगा कि बिना काम 20-21 किलोमीटर दूर था तो यहाँ ही लेक का हम आनंद ले लेंगे बैठ के ना। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड वी स्पेंड मोर देन 1.5 आवर्स हमने यहाँ पे स्पेंड किया, और उसके बाद में फिर हम लोग निकल गए थे बाहर। आज का दिन हमने काफ़ी कुछ किया था, शाम को भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारे रिजॉर्ट में होती ही थी, तो वहाँ पे भी हम लोग बिजी रहते थे। आप खुद देखो क्या व्यू है इस कैफ़े का, तो लेक साइड कैफ़े ज़रूर आना आप, काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा बना हुआ है अंदर से, और यहाँ का फूड भी बहुत आउटस्टैंडिंग था। हम लोगों ने ऑर्डर किया था, देखिए स्क्वायर पिज़्ज़ा आया है, मैंने पहली बार देखा ऐसा स्क्वायर पिज़्ज़ा, बट इट वॉज सो यम, वेरी टेस्टी इट वॉज, बहुत अच्छा था। और बच्चों को तो ऐसा खाना मिल जाए और क्या चाहिए, ये तो इतने खुश हो गए दोनों के, आज तो भाई पनीर की सब्ज़ी और रोटी से छुट्टी मिल गई, आज तो हमें पिज़्ज़ा खाने मिल गया, और साथ में हमने लिया था कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पीना था,
और कुछ सैंडविचेस भी मंगवाए थे. आई जस्ट हैड वन पीस ऑफ पिज़्ज़ा, लिटिल स्मॉल पीस ऑफ बर्गर एंड आई हैड कॉफ़ी, दैट्स इट. सैंडविच भी मैंने नहीं खाया था, सैंडविचेस बच्चों ने और विवेक ने ही खाया था. मुझे पता नहीं इंडियन फूड ज़्यादा अच्छा लगता है. इंडियन फूड अगर मुझे मिल जाए लाइक सब्ज़ी रोटी दाल चावल तो उससे ज़्यादा फेवरेट मेरा कुछ नहीं हो सकता है. पर बच्चों का तो पता है ना, इन लोगों को तो यही चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं. ये मिल जाए तो उन्हें और कुछ नहीं चाहिए. तो चलिए गाइज, ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है. नेक्स्ट व्लॉग में फिर बाकी का व्लॉग शेयर करूंगी. लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. टेक केयर.